चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं, तो वहां पे वो जीत नहीं पाएंगे। तेजस्वी के खिलाफ वो नहीं बोलते हैं क्या, आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी? अभी एज अ लाइबिलिटी ऑनरेबल सीएम को हम लोग ऐसे कुछ इक्वेशन में साथ में देख पा रहे। नमस्कार भारत में, देख रहे हैं आप, बिहार भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। संजय जायसवाल का कार्यकाल खत्म हुआ और ऐसे में अब जो कार्यकाल शुरू हुआ है सम्राट चौधरी का, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ गठबंधन के जो लोग हैं वो कितने सही तरीके से चल पाते हैं, उनका ट्यूनिंग कैसा होता है। ऐसे में हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से देवजानी मित्रा हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस गठबंधन में पहले से हैं, इस गठबंधन में जो लोग आधिकारिक रूप से नहीं हैं उनको लेकर भी चर्चा हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बदला है, क्या आपका रवैया रहेगा, कैसा आप लोग देखते हैं इसे, भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेप को? ऑनेस्टली बताएं, बीजेपी का एक बहुत अच्छा स्टैंड है कि वो यूथ लीडर्स को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, और जो कार्यकाल जो सम्राट चौधरी जी का रहा है, जो उनके कैडर के साथ या फिर जितने भी सीनियर लीडरशिप के साथ या पार्टी के साथ जो इनकी लॉयल्टी रही है, उससे ये साबित होता है कि अगर आप काम कंसिस्टेंटली करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको वो पहचान मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का जो एक आपके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते, बधाइयां देते हैं कि आप अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करें, और आने वाले समय में हम लोग तो उनको एज अ वन ऑफ द सीएम का चेहरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। लव कुछ वोट में बोलिए या फिर एक दलित चेहरा एक बहुत बड़ी उम्मीद का किरण लेके आएगा बिहार के उन सारे लोगों के लिए जो हमेशा अपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित समझते थे। बिहार में चिराग पासवान युवा चेहरा है, अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी मानते हैं, कई बार उन्होंने जिक्र किया कि लीड करने का मौका मिलेगा तो हम अच्छे तरीके से देखेंगे, उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं। आपने कहा कि सम्राट चौधरी को हम लोग सीएम मानने के लिए तैयार हैं, भाजपा अगर प्रमोट करती है तो आप लोग समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और रही बात श्री चिराग कुमार पासवान की, सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, उनके नाम में कुमार भी आता है, चिराग कुमार पासवान जी की मैं बात करूंगी, जिस टाइप के अभी आपके बिहार पॉलिटिक्स है उसमें सीएम के लिए मैच्योरिटी चाहिए, फिलहाल वो बहुत ज्यादा इमैच्योर्ड हैं और अकेले सड़कों पर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक रियलिटी चेक भी है कि अपने रूट्स को हमेशा वो भूल जाते हैं, तो रूट्स के लिए भी वो क्या कहते हैं, रूट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि भाई आपके जम्मू ही जहाँ के आप सांसद हो, कुछ दिन पहले आपका मिसिंग वाला पोस्टर जो है वहां का जनता बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जम्मू के नाम से उनके पूरे पार्टी के लोग और उनके समर्थक बोलिए या फिर उनके जो फैन फॉलोइंग है, समर्थक तो हम नहीं बोलेंगे, फैन फॉलोइंग है, उनको भी ये डर है कि क्या कहते हैं वहां पे वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो जम्मू के नाम पे ही थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ये उनके लिए रियलिटी चेक है कि एंड मोरओवर उन्होंने अभी तक एनडीए में है कि नहीं, उन्होंने वो घोषणा नहीं की है, वो लोकसभा इलेक्शन तक वो रुकेंगे, वो देखेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगे, तो भैया इतने मुझे नहीं लगता है बीजेपी ऐसे कोई हाहाकार मच रहा है उनका कि भाई हम लोग चिराग पासवान को एज अ सीएम फेस लेंगे। सबसे पहले एक चीज तो वो जीत के, सॉरी, भाजपा ने स्पेस छोड़ा है चिराग के लिए, मुझे पहले नहीं लगता है चुनाव से आने वाले जनक राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, लेकिन अब अति पिछड़ा पिछड़ा को मौका दिया गया है, मतलब दलित वोट बैंक के लिए भाजपा अभी चिराग पासवान पर निर्भर है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, निर्भर होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप उनको सीएम का चेहरा घोषित कर रहे हो, क्योंकि सीएम का चेहरा बनने के लिए आपको बिहार में मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मैं तो ये बोलूंगी कि चिराग जो पॉलिटिकली अगर कोई चीज सीखना चाहिए तो मैंने पॉलिटिकल ग्राफ जो आपका सम्राट चौधरी जी का रहा है उनसे भी सीखना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर वो एक जगह जीते, फिर आगे बढ़े, फिर वो कंसिस्टेंट रहे, तो यहाँ वो तो भी नहीं गए जम्मू में, तो पैरा उनके लिए कोई जीतना, उसके बाद आगे का सोचेंगे। भाई आपके पास एक भी सांसद है, आप अकेले हो, आप अभी मैंने सिर्फ संगठन ही बना रहे, आप किसी से भी पूछिए संगठन बना रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले अनाउंसमेंट करेंगे, तो भैया आपका विम्स एंड फैंसी से चीजें नहीं होती है। तो आप नहीं मानती हैं कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये चिराग पासवान का प्रमोशन तो डेफिनेटली नहीं है, बट डेफिनेटली ये प्रमोशन जरूर है कि यूथ चेहरा को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी गवर्नमेंट अभी कर रही है, और ये बहुत अच्छी न्यूज है बिहार के यूथ के लिए, जो टिक के मेहनत करके, जो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ या फिर अपने पार्टी के ऊपर लॉयल रहेगा, उनके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पशुपति पारस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में काम कर रहे हैं, जी जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल। और रही बात हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर की, उन्होंने बहुत क्लियरली बार बार कहा है कि मैं गठबंधन में हूँ, मैं रहूंगा और मैं मरते दम तक मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा, तो वहां पे तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और हम लोग भी अभी क्या कहते हैं, बहुत सारे और भी आपके गुड न्यूज, बहुत ही समय मैंने समय आने पर एक हफ्ते में बहुत सारी और भी न्यूज हम लोग भी आपको बताएंगे कि हम लोग और क्या क्या चीजें कर रहे हैं माँ आपके गठबंधन में के साथ, और चीजों को और मजबूत करने के लिए। पिछले दिनों एक चर्चा चली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी मुखरता से नीतीश के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपको लगता है कि चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ मुखरता से बोलते रहे हैं, तो ऐसे अरे में चिराग भाजपा पासवान, क्या को भी तवज्जो देगी? मैं ऑनेस्टली बताऊं, देखिए सम्राट चौधरी जी का बोलना और चिराग पासवान का बोलने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सम्राट चौधरी एक अलायंस का पार्ट है, तभी वो ऑलरेडी बीजेपी में है, तो उनका बोलना मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं से भी अमित शाह के रैली के बाद चीजें क्लियर हो गई कि ऐसे कोई भी क्या कहते हैं लालायित नहीं है कि भाई सीएम जो है वो नीतीश कुमार दोबारा बने या उनको वापस लिया जाए। रही बात चिराग पासवान जी की, मैं ये बोलूंगी वो हमेशा से ही एक इंसान को टारगेट करते हैं, वो है हमारे ऑनरेबल सीएम। वो आज तक डेप्यूटी सीएम के बारे में कोई टिप्पणी ना करते हैं, ना करते दिखेंगे, ना उनकी कोई पार्टी के लोग, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो अभी अपना ही वो महागठबंधन बनाने में लगे हुए हैं, उनके साथ जाएं क्या करेंगे, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है फिलहाल। आपने जिक्र किया कि तेजस्वी के खिलाफ वो नहीं बोलते हैं, क्या आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी के खिलाफ? ऑनेस्टली देखिए वो भी अपना एक गैप छोड़ के रख रहे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा ना कि सम्राट चौधरी के लिए तो एक आशा का किरण चिराग जी के ऊपर है, तो चिराग जी अपना आशा का किरण चारों तरफ से रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी उनको एज अ प्रमोशन क्या कहते हैं देने के लिए ये जगह खाली रखा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि चिराग पासवान खुद ही चीख चीख के बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो है गुंज कभी ना कभी आगे आरजेडी के साथ जाने का भी हो सकता है, भले ही उधर से क्या सिग्नल है नहीं है वो तो वक्त बताएगा। आपको लेकर चर्चा हो रही थी कि आप नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, और आपने अब चिराग पर आरोप लगा दिया कि चिराग ऑनेस्टली लालू के साथ जा। बताएं, ऑनेस्टली बताएं, अभी तक तो फिलहाल एनडीए में या फिर बीजेपी का ऐसे कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं है कि हम लोग ललायित है। हाँ, बाकी नीतीश कुमार जी का आदत है चीजों को हमेशा पलटने का, इस बार वो पलटी मारेंगे तो किस शर्त में मारेंगे उनके ऊपर छोड़ते। फिलहाल नीतीश कुमार जी का कोई वेलकम बीजेपी पे करेंगे कि नहीं करेंगे वो एक डाउट की बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। आप लोग क्या करेंगे अगर नीतीश कुमार आते हैं तो? हम लोग क्या करेंगे ये तो हमारे राष्ट्रीय टीम ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी जैसे युवा नेता को जब आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है तो कुछ सोच समझ के बीजेपी ने ये कदम लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो लोग ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं कि युवाओं के तरफ, और दलित चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस बार के इलेक्शन के लिए, और सम्राट चौधरी जैसा चेहरा अगर आएगा तो बहुत सारी इक्वेशन चेंज होगा। तो उन्होंने कम से कम ये बता दिया कि भाई लव कुश वोट के लिए अगर क्या कहते हैं आपके सम्राट चौधरी का चेहरा इतना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते हैं अभी एज अ लाइबिलिटी ऑनरेबल सीएम को हम लोग ऐसे कुछ इक्वेशन में साथ में देख पा रहे, बाकी देखिए क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ नो टू हिम। जी अरुवा बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।